हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द एंट्रीज एंड द अकाउंट, हाउ मेनी अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन अ लॉन्ग क्वेश्चन व्हेन वी आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर एंड जर्नल एंट्रीज, हाउ मेनी एंट्रीज एंड व्हाट काइंड ऑफ एंट्रीज वी आर रिक्वायर्ड टू पास व्हेन वी आर डूइंग अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो टोटली today we are going to discuss how to solve a long question. In a question, examiner may ask some entries or may ask some accounts. So how many accounts and what kind of entries we required to pass in a long question, in a 6-mark or 8-mark question, we are going to discuss today this topic. First of all, we are going to discuss journal entries. Journal entries at the time of revaluation, at the time of admission of a partner. Now we can divide entries in, say, entries related to capital and goodwill that a new partner bring in the firm. Entries related to reserves and accumulated profits or losses, and entries related to revaluation of assets and liabilities. So these are the common entries in which are to be passed in every question. जब भी हम एक क्वेश्चन करेंगे हमको ये सब कुछ मिलेगा और ये सब कुछ हमें करना होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन में। कैपिटल और गुडविल की एंट्री, देन रिजर्व्स की एंट्री, देन रिवैल्यूएशन की एंट्री। कुछ स्पेसिफिक भी हो सकती हैं अगर क्वेश्चन आपसे कहता है तो, बट अभी हम जर्नल एंट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि नॉर्मली जर्नली ये एंट्रीज पास होंगी जब भी हम एक एडमिशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इन्हीं एंट्रीज़ को हमने हालांकि पहले भी सीखा है क्या एंट्रीज़ होती हैं, बट आज इनको हम वापस से एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से आपके लिए रिविजनरी लेक्चर भी है कि जो हमने पहले पढ़ा है आज उनको एक साथ हम लोग कैसे एंट्रीज में सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन 6-mark का, तो उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है और उस समय क्वेश्चन आपको कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, तो आप क्या क्या एंट्री करोगे। सबसे पहली एंट्री हो सकती है फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया पार्टनर लेकर आएगा तो एंट्री होती है क्या कि बैंक अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल क्रिएट कर देंगे, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो वो गुडविल लेकर आएगा उसके लिए हम गुडविल अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और सेकेंड एंट्री हो जाएगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल जो वो लेके आता हमने पढ़ा था सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स के लिए लेके आता नया पार्टनर, तो ये जो गुडविल जब वो लेके आएगा तब हम क्रिएट कर देते हैं, और जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगली एंट्री में हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे डीआर, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये एंट्री आपको करनी होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये दो एंट्रीज सबसे पहले होंगी जब एक नया पार्टनर फर्म में आएगा, एक तो ये और एक ये। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, नया पार्टनर आएगा, एक बैलेंस शीट आपको दी होगी पुरानी बैलेंस शीट जिस समय ओल्ड पार्टनर थे, फिर उसमें नीचे इन्फॉर्मेशन आएगी कि ये नया पार्टनर आया, ये कैपिटल लाया, ये गुडविल लाया, तो उस समय आपको ये एंट्री पास करनी है कैपिटल और गुडविल के लिए। अब एक केस हमने भी पढ़ा था कि अगर गुडविल नया पार्टनर कैश में नहीं लाता तो क्या करते हैं। तो सपोज़ अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो क्या करेंगे, कैपिटल की एंट्री, तो कैपिटल तो लाएगा, कैपिटल भी वो कैश या काइंड्स में ला सकता है, ठीक है। बैंक अकाउंट भी डीआर हो सकता है या कोई और असेट अकाउंट भी ला सकता है वो, जैसे
कोई पार्टनर गुडविल के लिए या कैपिटल के लिए स्टॉक ले आया, मशीन ले आया, तो जो भी चीज़ें पार्टनर लाएगा वो हम डेबिट कर देंगे। तो कोई भी बैंक या असेट जब आ रही है फर्म में हम डेबिट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सिर्फ टू कैपिटल, क्योंकि गुडविल तो नया पार्टनर कैश में ला नहीं रहा, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल वो अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ये केस कब करना है, जब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है इज़ नॉट ब्रिंगिंग इन कैश, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा। और गुडविल के लिए जो एंट्री नंबर टू होगी वो हमने सीखा था करंट अकाउंट से होगी, ये वाली एंट्री न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। गुडविल नहीं ला रहा है तो करंट अकाउंट से निकाल लेंगे उसका पैसा और सैक्रिफाइस वाले पार्टनर्स को दे देंगे। तो डिफरेंस क्या है कि गुडविल लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन भी होगा और बाद में सेकंड एंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर क्लोज भी होगा, और गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन भी नहीं होगा और क्लोज भी नहीं होगा। उस केस में सिर्फ हम क्या करेंगे, नए पार्टनर के करंट अकाउंट से उसका गुडविल का जो भी अमाउंट है वो निकाल लेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। हाइएस्ट से हाइएस्ट ये हो सकता है, या तो लाएगा या नहीं लाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है? तो ये दो एंट्रीज तो हमने सीख ली गुडविल के लिए। अब हम बात करते हैं आगे, अब आपको क्या करना है, आगे अगली चीज ये देखनी है। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी भी होगी, जब एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसकी लायबिलिटी साइड में या असेट साइड में कुछ रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में आपको देखना है क्रेडिट साइड, मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो है उसमें कुछ क्रेडिट बैलेंस होंगे, कुछ रिजर्व्स होंगे। अब रिजर्व्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व भी हो सकता है या कोई स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है या कोई P&L भी हो सकता है। P&L का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जब भी नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर इन चीज़ों को आपस में बांट लेंगे, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे कि जनरल रिजर्व है जैसे हमारे पास CR बैलेंस है, क्लोज करेंगे DR। P&L है हमारे पास DR, और से हमारे पास कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले देखना पड़ेगा इनके अगेंस्ट कोई क्लेम या कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो पहले इसमें से वो क्लेम या वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हो रही है वो निकाल लेंगे और बाकी जो बचेगा वही बांटेंगे। एक्सेस जो एक्सेस अमाउंट है वही बांटेंगे और क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, ये ओल्ड पार्टनर्स को हम दे देंगे, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी और क्रेडिट कर देंगे, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बांटने के बाद ओल्ड रेशो में से हम क्रेडिट कर देंगे। ये रिजर्व्स बांटने की एंट्री होगी। क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, आपको दिख रहा है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम, आपको बांटने पड़ेंगे उन्हें, क्योंकि एडमिशन का क्वेश्चन है। और जब भी एडमिशन हो या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, रिटायरमेंट हो, ये रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और आपको बांटने पड़ेंगे। क्वेश्चन नहीं कहेगा कि बांटो, ये आपको समझना है। अब इसी तरह एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करें, एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपको बैलेंस शीट में असेट्स साइड में दे रखे होंगे, जैसे कोई P&L का DR बैलेंस है। P&L मतलब असेट में अगर P&L तो लॉस है, ये लॉस है। इसी तरह मान लीजिए गुडविल है, गुडविल अकाउंट ओपन है बुक्स में, वो गुडविल अकाउंट ही बंद करना होगा आपको। इसी तरह मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है कोई, तो ये लगभग जो है आपके पास कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं जिन्हें आपको राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, ये लॉसेस हैं तो जब पार्टनर्स में बांटेंगे वही पुराने पार्टनर्स में उनकी कैपिटल कम होगी, CR कर दें, CR होती है कैपिटल, अब DR कर देंगे।
भाई ये तो रिजर्व्स थे, प्रॉफिट थे, कैपिटल पार्टनर्स की जो होती है वो सीआर बैलेंस होता है, बढ़ाते हैं हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी इसलिए सीआर करेंगे, जबकि यहाँ जो ये लॉसेज हैं तो कैपिटल डीआर हो जाएगी, और ये जो लॉसेज आपने डेबिट बैलेंस दिखा रखा है इन्हें हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे हमने कहा अगर गुडविल अकाउंट बुक्स में ओपन होता है पहले से तो उसको बंद कर देते हैं क्योंकि ये कैपिटल नेचर का लॉस होता है। इसके बाद और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी आपको गुडविल बुक्स में नहीं दिखानी है, क्लोज कर देंगे। पी एंड एल का बैलेंस है कौन सा वाला, डीआर जो असेट में है वो क्लोज कर देंगे। कोई एडवर्टाइजमेंट नाम का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है उसको भी क्लोज कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी नंबर 3 एंड नंबर 4 फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। यहाँ तक की बात क्लियर है, ये चार एंट्रीज मैंने आपको बता दी। पहली एंट्री थी कैपिटल और गुडविल लाने की, उसको दूसरा एंट्री थी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तीसरी एंट्री रिजर्व्स के लिए, और चौथी एंट्री एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए। ये कन्फर्म है, हाँ ये हो सकता है कि लॉसेस ना हो लेकिन रिजर्व्स लगभग आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चार एंट्रीज कन्फर्म है, ये आपको करनी करनी है, और हर एंट्री का नंबर मिलते हैं आपको। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैंने इसलिए ये टॉपिक डाला है कि आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि हम कहाँ कहाँ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में एंट्रीज पूछी गई हैं तो ये कुछ फिक्स एंट्रीज हैं कि ये तो होंगी ही होंगी। चार एंट्री के बाद अब पाँचवीं, छठी और सातवीं एंट्री ये मैं करूँगा फॉर रिवैल्यूएशन। अब हम रिवैल्यूएशन की बात करने जा रहे हैं। रिवैल्यूएशन, अब रिवैल्यूएशन करते हैं हम असेट लायबिलिटी का, तो उसमें दो बातें होती हैं, या तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी, लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। अब इसकी क्या एंट्री करेंगे हम, प्रॉफिट के केस में मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन नॉमिनल नेचर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सिंपली, जहाँ जहाँ प्रॉफिट हो रहा है हम रिवैल्यूएशन को क्रिएट कर देंगे, और जहाँ जहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट कहाँ होगा, या तो आपकी कोई असेट इंक्रीज होगी या आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, दोनों को हम डेबिट कर देंगे, असेट डीआर लायबिलिटीज डीआर टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय अमाउंट आया कितने से इंक्रीज हुई, इसी तरह डिक्रीज्ड बाय कितने से डिक्रीज हुई लायबिलिटी, तो बाय वाला मतलब कितना अमाउंट है टोटल, कितने से इंक्रीज़ हो रही कितने से डिक्रीज़ होगी, वो अमाउंट आएगा रिवैल्यूएशन में टोटल में लिख देंगे। जैसे यहाँ 10,000 है या 20,000 है, कुल मिला के 30,000 रिवैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, सिक्स एंट्री वो रिवैल्यूएशन के लिए। अब ये हो सकता है कि रिवैल्यूएशन करने पर किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है और लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो ये हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये असेट और ये लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि असेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होंगी और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो भी क्रेडिट होंगी। डिक्रीज्ड बाय कितने से डिक्रीज हुई और इंक्रीज्ड बाय, ये दोनों ही केस में लायबिलिटी का बढ़ना और असेट का घटना मान ली लॉस है, तो ये एंट्री लॉस के केस में हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है जैसे मान लो 10 जगह अपने को जैसे स्टॉक कम हो गया, मान लो मशीन कम हो गई रिवैल्यूएशन करने पर, तो हम अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे कि स्टॉक के लिए हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, मशीन के लिए कर रहे हैं रिवैल्यूएशन टू मशीन। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी जगह प्रॉफिट हो रहा है उनको देख लो एक बार क्वेश्चन में कि इस पॉइंट में मेरा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने के केस क्या होंगे, या तो असेट बढ़ रही है लायबिलिटी घट रही है, उसकी हम एक ही एंट्री बना देंगे। जैसे मशीन की वैल्यू बढ़ गई, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, तो मशीन अकाउंट डीआर, लैंड अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। समझ आ रही बात कि नहीं, लायबिलिटी कोई घट रही क्रेडिटर अकाउंट डीआर, तो भी इसमें डाल देंगे असेट अकाउंट डीआर लायबिलिटी डीआर टू रिवैल्यूएशन। अलग अलग नहीं बनानी क्योंकि इससे फिर आपका टाइम बचेगा। सेवेंथ एंट्री होगी, अब फाइनली हम लोग इस रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल देंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन का बैलेंस अगर सीआर है, सीआर बैलेंस का मतलब क्या है कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, अगर सीआर ज़्यादा हुआ है रिवैल्यूएशन, आप एंट्री से देख सकते हैं सीआर कितने से हुआ, डीआर कितने से हुआ। अगर सीआर ज़्यादा हुआ है तो डेफिनेटली सीआर कब हुआ था, जब प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट ज़्यादा है।
अब ये CR बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन का बैलेंस CR है, क्लोज कर देंगे DR और पार्टनर्स में बांट देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। और अगर DR बैलेंस है, रिवैल्यूएशन का बैलेंस DR आ रहा है मतलब लॉस है, नेट लॉस। DR बैलेंस का मतलब कि आपने एंट्री में रिवैल्यूएशन DR ज़्यादा हुआ है, CR कम हुआ है, तो नेट लॉस है। लॉस के केस में हम एंट्री कर देंगे क्या कि लॉस बांटेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल DR हो जाएगी और रिवैल्यूएशन CR हो जाएगा। ये एंट्रीज हो गई रिवैल्यूएशन की। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिनिमम 7 एंट्रीज तो मेरे सामने बनेंगी ही बनेंगी। जब एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें रिजर्व्स, गुडविल और रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो ये लगभग 7 एंट्री बनेगी। और भी बन सकती हैं, वो डिपेंड करता है, कोई सिचुएशन अलग आ गई। जैसे मान लो कोई कहता है क्वेश्चन कि कोई पार्टनर कोई असेट ले गया, अब अगर कोई पार्टनर असेट ले गया तो उसकी कैपिटल क्या होगी, उसकी कैपिटल कम होगी, एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। बट ऑलमोस्ट हम लोग अभी ये लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर यही एंट्रीज होंगी और कोई एंट्री नहीं होगी, और हम कॉमन कॉमन एंट्रीज बना के चल रहे हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये 7 एंट्रीज करनी होगी। अब मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा कि ये तो हो गई एंट्री के बाद, अगर क्वेश्चन के एंट्री के साथ कह रहा अकाउंट बनाओ या केवल अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आएगा तो अकाउंट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट कैसे बनाएंगे ये हमको सीखना है, अगली क्लास में सीखेंगे अकाउंट वाला क्वेश्चन या कौन कौन से अकाउंट कैसे कैसे बनाने हैं। अभी आपकी एंट्रीज यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। सो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही लेते हैं। थैंक यू।